बाबर आजम गोल्ड मेडलिस्ट नो बट को 20 लाख बतौर इनाम देंगे या नहीं देंगे, फैसला करेंगे आप। और क्योंकि ये बिल्कुल फेक न्यूज है, इस पे कोई हकीकत नहीं है कि बाबर आजम ने कहीं भी अनाउंस किया हो कि वो 20 लाख रुपया दे रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वेट लिफ्टर नौ दस्तगीर बट्ट से मुतल्लिक खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम ने 20 लाख रुपया इनाम देने का अनाउंस किया है, मगर ऐसी कोई हकीकत नहीं मिलती। सब जितने भी ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस पे सब फेक न्यूज़ चल रही है कि बाबर आजम ने 20 लाख इनाम देने का अनाउंस किया है, मगर ऐसा कुछ हकीकत नहीं मिली। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब मुस्तैद वेबसाइट पर पोस्टें वायरल हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि बाबर आजम की जानिब से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आने वाले नौ दस्तगीर बट को 20 लाख बतौर इनाम देंगे। इस खबर की तहकीक की जाए तो बाबर आजम की जानिब से ऐसा कोई मुस्तनद बयान या कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं मिलती। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है, सरासर जाली है। ये बाबर आजम से मुतल्लिक ये झूठी खबर गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया पेजेस की जानिब से इसे जाली करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे, मगर एक बात है, बाबर आजम ने एक ट्वीट जरूर किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के हवाले से कि ये सुपर स्टार्स हमारा फख्र हैं, तमाम एथलीट्स को मुनासिब स्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की ज़रूरत है। ये ट्वीट ज़रूर किया है बाबर आजम ने, अपने ट्वीट अकाउंट पे, और ये आप देख सकते हैं इनका जो ट्वीट का स्क्रीनशॉट है जिसमें उन्होंने प्लेयर का बकअप किया है, उनकी तारीफ की है और सुपरस्टार्स पर फख्र महसूस किया है कि ये हमारे एथलीट हैं, हमारे लिए ये फख्र हैं। ये ट्वीट आप इनकी देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, जो ट्वीट बाबर आजम के ओरिजिनल जो वेरीफाई पेज है उसके ऊपर है। और ये ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि बाबर आजम 20 लाख का इनाम अनाउंस किया है, ये सब झूठी खबरें हैं, इनमें कोई सच पे मुबनी बात नहीं है। बाबर आजम ने अभी तक तो कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया, इसके बाद कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसकी भी खबर हम आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे, मगर अभी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। और जो गोल्ड मेडलिस्ट नो बट हैं इनसे भी रब्ता करने की कोशिश किया, उन्होंने भी कहा कि मुझे कोई अभी समाजी जो रब्ता है उस पर या व्हाट्सएप या नंबर पर कोई ऐसी कॉल या कोई ऐसा मैसेज मौसूल नहीं हुआ जिसमें बाबर आजम ने 20 लाख का अनाउंस किया होगा। तो आपका नाज़रीन इसके बारे में क्या कहना है आप बता सकते हैं नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट साकिब मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।